प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान् तोस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान् तोस्मि। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मनोज जी। हरिओम सर जी। हाँ जी पूजा जी, हरिओम। विभूतिपाद, हम लोग पैसे पूरा कर चुके हैं, लेकिन आज चैंटिंग में कराऊंगा आप लोगों से। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है? जी सर। दर्शन सूत्र दिख रहा है ना विभूतिपाद? जी सर। चलिए तो अभी सबसे पहले हरप्रिया मिश्रा जी, आपको कुछ पूछना है कि आपने हैंड रेज क्यों किया है? कुछ जानना हो तो बताइए, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए। हरप्रिया मुझे ये बताना था कि सुनाई दे रहे हैं आपकी आवाज। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा तो अभी हैंड डाउन अभी कर हैंड डाउन कर लीजिए। लीजिए। अनुराधा चवन, अनुराधा चवन मैम आइए, और आयुषी सिंह तैयार रहिए इनके बाद। और आप अनुराधा मैम दो सूत्रों को, फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करिए जी। ओम प्रणाम सर। ना, करिए। अथ विभूति पादः देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम्। गुड। आयुषी सिंह थर्ड एंड फोर्थ। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम् एकत्र संयमाः। वेरी गुड। नेक्स्ट फिफ्थ टू सिक्स अभी सुनाएंगे बंटी फंघल, और भारती माली जी तैयार रहेंगे इनके बाद। बंटी फंघल जी आप सिक्स एंड वो फिफ्थ एंड सिक्स सुनाइए। विनियोग आपकी ना बाइक वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। विनियोग बस बस बहुत है। अभी नेक्स्ट वन भारती माली जी सुनाइए। जी सर। त्रयम् एकत्र संयमः पांचवा सूत्र आप ना सातवां और आठवां सुनाइए।
जी सर, बार आठ जी। त्रयम् अंतर अंग पूर्वे अभ्यः तदपि बहिरंग निर्बीजिष्य। ये ना इसे ना अंग ना बोल के तदपि त्रयम् अंतरंगम रंगम पूर्वेभ्यः, इसी तरीके से जो अगला वाला है तदपि बहिरंग न कह के बहिरंगम निर्बीज। जी सर, जी सर, बोलो फिर से सर। हाँ बोलो एक बार और बोलो, कोई बात नहीं बोलो। हाँ सर, आवाज कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज वैसे ठीक जा रही है, आपको लग रही होगी, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और सातवां और आठवां करिए। जी। त्रयम् अंतरंगः पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजिष्य। हाँ दूसरा वाला सही बोला लेकिन ये बोल दिया अंतरंगः, अंतरंग नहीं अंतरंगम बोलो, अंतरंगम। अंतरंगम। हाँ पूर्वेभ्य, अब ठीक है ऐसे बोलना है, ठीक है। जी सर, जी नेक्स्ट सर। वन, नवा और दसवां सूत्र भी चेंज करेंगे, विजय लक्ष्मी नाथनम, और इसके बाद अभी तैयार रहेंगे अपनी जो अगली मैडम है वो विजय लक्ष्मी नाथ के बाद। यस जी, एक मिनट बैठिए। निजर्ध संस्कार विभव प्रादुर्भाव मीरा किशोर जी, विरोध। मीरा किशोर जी तैयार। हाँ मैडम आप बोलिए, दसवां वो नौवां और दसवां। मैं तो बोल जी, हाँ विजय लक्ष्मी मैम बोलिए, नौवां और दसवां। या विधेन इथान निरोध संस्कार यर विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिता अन्यो निरोध परिणाम तस्य प्रशांत वहिता संस्कारात। मैम और संभालने की आवश्यकता है, ये प्रशांत बहिता नहीं है बाहिता है, और ये वाला सूत्र नवा वाला एक बार फिर चेंट करिए आप। तस्य प्रशांत वहिता संस्कारात। हाँ वो ठीक है, अभी नौवा नाइन्थ नंबर का चैंट, नाइन्थ नंबर सूत्र अगेन। इथान निरोध संस्कार यर विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तन निरोध परिणाम चित्तान वयो, चित्तान वयो निरोध परिणाम। चित्तान निरोध परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट वन, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ नंबर का सूत्र, बीरा किशोर जी। धन्यवाद सर। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चितस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतौ दीप्तौ तुल्य प्रत्ययौ चितस्य एकाग्रता परिणामः। बहुत बढ़िया बीरा किशोर जी। अभी 13th एंड 14th नंबर का दीक्षा मैम, दीक्षा मैम आप 13th एंड 14th नंबर सूत्र चयन करिए। दीक्षा मैम, दीक्षा मैम। यस सर। हाँ जी चयन। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता शांतोदितव्य पदेश धर्मानुपाति धर्मी। ठीक है, ठीक है, और अभ्यास बनाए रखना है और अच्छा हो जाएगा। 15 and 16 दीपाली मस्तुके मैम, दीपाली मैम तो इससे आगे आपको चेंज करना है, ये 15 and 16। थोड़ा आवाज आप लोग ना सही से माइक के पास बोलो, मुझे सबकी ऐसी आ रही है कम कम, और पता नहीं मुझे मुझे आ रही है सभी को ऐसी, ठीक है सर सभी को कम आ रही है। हाँ तो ठीक से बोलो सभी लोग, देखो जब तक आप सही से नहीं बोलोगे आवाज क्लियर नहीं आएगी तो पता नहीं लगेगा शुद्ध पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। प्रमाणत्व परिणाम मान्यत्व हेतु परिणाम त्रय संयमा ततितानागत ज्ञानम
यहाँ पे इसे पढ़ेंगे कैसे, परिणाम त्रय संयमात तभी अतीत अनागत ज्ञानम। क्या बोलेंगे इसे, अतीत अनागत ज्ञानम। ठीक है मैम। ओके सर। 17th एंड 18th नंबर के लिए अगली मैडम है दीपाली के सॉरी बाद। मैम ये विजय लक्ष्मी मैम आप अपना माइक म्यूट करिए। नेक्स्ट वन दीप्ति चौधरी और देव शर्मा इसके बाद तैयार रहेंगे। दीप्ति चौधरी आप 17वां और 18वें नंबर का सूत्र चेंज करिए। शब्दार्थ यत्यानम यत्यानम मित्रेत राध्यासात संकर संक्रस्त प्रतिभाग सम्यात सर्वभूत रुत ज्ञानम संस्कार साक्षात्करणात पूर्व ज्ञाति ज्ञानम। ये तो ठीक है लेकिन 17वें नंबर का एक बार और चेंट करना होगा मैम आपको। शब्दार्थ प्रत्याय नामित्रेत आराध्यात सात संस्कार सत प्रत विभाग सम्यात सर्वभूत रुत ज्ञानम। और अभ्यास करना होगा ठीक है। कैसे, शब्दार्थ प्रत्यया नामितरेतरा ध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम्। ठीक है ऐसे लिखे। ओके सर। 19 एंड 18 20 देव शर्मा। हाँ प्रणाम भैया। जी करिए। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम्, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्, ना च तत्सालंबनम् तस्या विषयी भूतत्वात्, ना च तत्सालंबनम् तस्या विषयी भूतत्वात्। हाँ अच्छा बोला देव जी, लेकिन यहाँ पे ना पे ज्यादा जोर नहीं देना, नाचा ऐसे नहीं, नचा जी भैया, नचा नच तत्सालंबनम ऐसे। जी जी भैया। 21 एंड 22 नंबर का सूत्र चेंज करने आएंगे हमारे, इसके बाद दिव्या दिव्या मैडम हैं वे आएंगे। दिव्या जी जी सर। 21। काय रूप संयमात तद्गृहा शक्ति। एक मिनट सर, शुरू से। हाँ, काय रूप संयमात तद्गृहा शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगेरंतर्धानम्। सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा वा। हाँ ये तो ठीक था लेकिन इसमें ना ये इस वाले एक बार थोड़ा थोड़ा और बोलना यहाँ तक। काय रूप संयमात तद्गृहा शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगेरंतर्धानम्। ये देखिए ये ग्रह नहीं है, ये क्या है, ग्राह्य, ग्रह ग्रह और ग्राह्य। ग्राह्य शक्ति। हाँ ग्रह ग्रह नहीं बोलना ठीक है। ओके ओके अच्छा सर। बोला बाकी ठीक है। 23rd एंड 24th के लिए अभी आ रहे हैं दिव्या जी के बाद डॉली राज सिंह और गुंजन पांडे उसके बाद तैयार रहेंगे। डॉली पांडे डॉली गुरुजी डॉली जी जी 23। सर। गुरुजी बलेषु हस्ति बलादीनि 23 में मैत्रयादिषु बलानि। ठीक है। गुड। नेक्स्ट वन मैडम अगली आइए। गुंजन पांडे।
ये 25-26 प्रवृत्तिया लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। ठीक, वेरी गुड। हरप्रिया जी 27-28 चंद्रितारविह्यो ज्ञानं ध्रुवे तद्गति ज्ञानं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 29 और 30 के लिए कमल बावरा मैम, और उसके बाद तैयार रहेंगे अर्जुन कमल बावरा के बाद खागी थापा। खागी थापा आप तैयार रहें कमल बावरा के बाद। हाँ जी सर, बोलो। हाँ जी। नाभि चक्रे काय व्यूहज ज्ञानम कंठ कूपे सुप्ति प्रशांत अनिवृत्ति वृत्ति ही। एक बार और बोलिए 30 नंबर का मैम। कंठ कूपे सुप्ति प्रशांत अनिवृत्ति ही। देखिए इसे बोलेंगे कंठ कूपे छुत 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 पिपासा, छुत पिपाशा निवृत्ति ही। कंठ कूपे छुत पिपाशा निवृत्ति ही। बताएं भूख प्यास। हाँ जी बोलू सर एक बार। हाँ बोलो। कंठ कूपे शुक्ति प्यासा छुत छुत बोलो छुत छुत्ति छुत छुत कक्षा जो होता है क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक होता है वैसा वैसा छाता वाला अम्ब्रेला वाला, ठीक है। एक होता है क्लास वाला छा, तो ये वाला जो छा होता है इसके सामने ना हल्का सा आधे का प्रोनंसिएशन आता है। कक्षा कक्षा कच्छा और छाता छाता, ठीक है। तो यहाँ छुत छुत पिपाशा, छुत पिपाशा निवृत्ति पिपाशा छुत पिपाशा सं निवृत्ति ही। संग निवृत्ति नहीं, अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं जोड़ने कोई भी। छुत पिपाशा निवृत्ति, पिपाशा होता है प्यास। अच्छा हाँ, निवृत्ति निपासा निपासा निवृत्ति। ये विपासा वसुधी विपासा नहीं बोल रहा है। हाँ जी सर। सर अच्छा एक बार फिर से बोल के बताइए ना प्लीज। पिपाशा पिपाशा पिपाशा। ये जो ता है ना आधा ता, इसको इधर ले लो छा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा छुत, ये हो जाएगा छुत छुत। हाँ, और फिर रह जाएगा पिपाशा, और फिर पिपाशा फिर बोल दो निवृत्ति ही। निवृत्ति ही छुप्त पिपासा निवृत्ति। हाँ नहीं बोलना है यहाँ विसर्ग नहीं। छुत पिपाशा छुत पिपासा पिपाशा नहीं सिपाशा सिपाशा। हाँ निवृत्ति ही निवृत्ति ही निवृत्ति नहीं निवृत्ति ही निवृत्ति ही। हाँ निवृत्ति ही ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वन आगे के लिए थापा जी। थापा कौन? थापा 31 सर। थापा मैं नमस्ते 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 सर। हाँ जी सर। पढ़ू पूर्मनाडयम् सेथरम मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम। बहुत अच्छे। पूर्मनाड्यम स्थैर्यम, इसके बाद मनोज लोधी जी और दूसरे फिर अगले हैं जो तैयार रहेंगे। मनोज लोधी के बाद नजनीन पंसारे, ठीक है। मनोज लोधी के बाद नजनीन पंसारे। आइए मनोज जी आप लोधी। सर आज तबीयत ठीक नहीं है सर, सिर्फ सुनूंगी। हाँ जी तबीयत ठीक नहीं है सर, आज सिर्फ सुनूंगी मैं। अच्छा आज आप सुनोगे। ये दो छोटे से सूत्र बोलने थे, बिल्कुल दो दो शब्द वाले, नहीं बोल पाओगे? नहीं अभी जस्ट डॉक्टर के पास से आई हूँ सर, इसलिए।
चलो ठीक है, अगले अगले जो नाम अनाउंस हुआ था वो। हाँ जी सर, कौन सा वाला? ये 33 और 34। प्रतिभाद्वा सर्वम हृदये चित्त संवित। मजनीन पंसारे ना। नजनीन पंसारे बोला अभी आपने? नो सर, मैंने बोला मनोज। अच्छा मनोज लोधी। और तबीयत किसकी सही नहीं थी? नजनीन की जी सर, मेरी नहीं थी। ओके ओके ओके। नीता शाहू, नीता साहू जी अभी आप बोलिए अगले। ये 35 36। जी। सत्व पुरुष योरत्य नंता संकीर्णयोः प्रत्ययादि परार्थ त्वात् स्वार्थ संयम मात्म पुरुष ज्ञानम ततः प्रातिभूश्रावण वार्ता जायन्ते। बहुत अच्छा मैडम, एक बार ना 35 वाला एक बार और पुनः उच्चारित कर दीजिए। दिखा नहीं भोग वाला। जी जी। सत्व पुरुष योरत्य संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी 37 से निगम DSSV 37 और इसके अगला 38। निगम मैडम जी सर। 37 ते समाधा पूर्व सर्गम विध्याने सिद्धि। हाँ जी सर, अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे सर, दिखाई नहीं दे रहा था अगले वाला। बंद कारण थैला, बंद कारण से थल्यात प्रचार संवेदनाचे चितस्य पर शरीर वेश्यः। पर शरीरा वेश्यः है ना? जी सर जी सर। ठीक है मैम, अभी नेक्स्ट वन 39 और 40 नंबर का सूत्र निगम मैडम के बाद है हमारे साथ पिंटू परमार, फिर पूनम मैडम। पिंटू परमार जी आप 39 और 40। जी सर बोलिए। उदान जया जल पंख कंठ कंठ का दिश्यु दिश्यु संग उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलनम। पिंटू जी एक बार 39 नंबर का और चयन करिए। जी सर। उदान जया जल पंख कंठ का दिश्यु संग उत्क्रांतिश्च। एक बार आप सुनिए अब। उदान जयात जल पंक कंटकादिस्व संग उत्क्रांतिश्च। ठीक है, अभी 41 और 42। जी सर बोलती हूँ। पूनम मैम। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमा दिव्यं श्रोत्रं
कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम्। वेरी गुड। 43 एंड 44 के लिए पूनम मैडम के बाद हैं हमारे साथ प्रमिला मिशेल एंड प्रतिभा श्रीवास्तव, उसके बाद तैयार रहेंगी। अभी प्रमिला मिशेल आप बोलिए मैम। 43 एंड 44। विदेह तत प्रकाश वर्ण क्षय स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थत्वत्व संयमात् भूतजय। ठीक है, नेक्स्ट वन मैम। जी सर। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्य बलवज्र संहन नत्वानि काय संपत्। बहुत अच्छी। 47 एंड 48 के लिए अग्रिम मैडम है हमारे साथ, प्रियंका जी के बाद, सॉरी प्रतिभा जी के बाद प्रीति पाटिल और फिर पूजा गौर, उनके बाद तैयार रहेंगी। प्रीति पाटिल मैम। 47 एंड 48। ग्रहणा स्वरूपा अस्मिता अन्वय अर्थवात्व संयमाद इंद्रिय जय तथ मनोजावित्वं विराराणा भावः प्रद्धौ जय। एक बार और ये 48 वाला नाम, ये जो अभी पढ़ा था सर। 48 हाँ। ओके। ततः मनोजावित्वं वीराराणा भावः प्रधौ जायः। मैम आप किस पे देख के पढ़ रहे हैं, इसी में सामने स्लाइड में देख के? नहीं सर, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है साथ में, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट, मेरे को हिंदी नहीं अच्छे से पढ़ना आता। ओके, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो आप एक बार सुनिए, आप इंग्लिश वाले को देखिए मैं बोलता हूँ। वो ततः ना होके वो क्या है, ततो मनो, ततो मनोजवित्वम मनोजवित्वम, फिर विकरण भावः विकरण भावः प्रधान जयश्च। ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना? नहीं, प्रधान नहीं लिखा था सर, इसमें प्रधाओ लिखा था। मैं इसीलिए देख रहा कि मतलब आप मैच नहीं कर रहा था। चलो आप विचारणा भी नहीं लिखा इसमें, विरार ये विकरण है, विकरण तो, विकरण आप ठीक से पढ़ना और नहीं तो टेक्स्ट चेंज करना। ठीक है, 49 एंड हाँ जी आप बताइए। एक्सप्लेनेशन के बाद समझने के बाद ज्यादा आसानी से सीख सकते है ना? बिल्कुल होता ही है। आप पिछले वाले जो दो चैप्टर हमने पढ़ लिए उन यदि उनके आपने एक्सप्लेनेशन सुने हो तो उनको चैंटिंग करना और इजी हो गया होगा आपको, क्योंकि उनके वर्ड्स का अर्थ हमें पता लग गया है, उनके वर्ड्स से परिचित हो गए हम, तो उन्हें बोलना थोड़ा और सरल हो जाता है। लेकिन अभी इसका हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है ना, इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर है ये, इसका करने के बाद तब फिर और थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, अभी जी सर। नमस्ते सर। सत्वपुरुषान्याख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञात्वं च तदवैराग्यादपि तोषवीज क्षये कैवल्यम्। बहुत अच्छे। 51 एंड 52 के लिए अग्रिम राधिका मैम। अभी पूजा मैडम ने बोला ना, पुष्पलता मैम बोलिए। यस सर। पुष्पलता मैं बोल देती हूँ सर। राधिका मैम आज ही राधिका मैम आएगा नंबर आपका, पहले पूजा मैडम का नंबर।
कौन सा बोलूं सर? अभी नंबर ना ये पूजा मैडम का है, उसके बाद आपका आता है, ठीक है? ये पुष्पलता मैडम का, पूजा करनी पुष्पलता। सर बोलो मैम, पुष्पलता। हाँ जी मैम बोलिए। ये 51 52। स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम् पुनरनिष्ट प्रसंगात् 52 शन तत्क्रमयोः संयमात् विवेकंज ज्ञानम् विवेकजम् ज्ञानम् ज्ञानम्। नाउ 53 and 54। राधिका मैम। जी सर। 53 and 54। जी। जाति जाति लक्षण देशेर अंत्या नव वच्छ धातु तुल्योस्तता प्रतिपति तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषय विषया विषयं क्रम चेति विवेकजम् ज्ञानम् सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये केवल्यमिति। आपने पूरा ही समापन कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ना तो डबल बात तू तू लिखा है, इसमें एक तू नहीं है, तो इसे कैसे बोलेंगे? जाति लक्षण देशैरन्यतान वच्छेदात् फिर तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिहि, ठीक ऐसे बोलेंगे सर। ये 53 सबसे कठिन पड़ता वही आया, ये याद भी नहीं होता है, इसको एक बार और बता दीजिए सर। ऐसी कोई बात नहीं, जो चीज हमें नहीं आती ना वो सब चीज कठिन ही होती है, जो एक बार आ जाए वो उससे ज्यादा सरल कोई चीज नहीं होती फिर। जी तो जी। जाति जाति लक्षण देशैरन्यता न वच्छेदात् ऐसे बोलेंगे। फिर तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे ये जो है ना कैवल्यम है, कैवल्यमिति नहीं है, ये थोड़ा मिसटाइपिंग है यहाँ पे, जो बनाई है स्लाइड उसमें गलत टाइप हो गया है, तो ये क्या है? कैवल्यम। ओके अभी साधक गण हमारे काफी बच्चे हुए, रानी जैन एंड रितिका बहुत लोग हैं, काफी रानी जैन एंड रितिका जी आप बोलिए, रानी मैडम आप बोलिए 53 54। जी सर। जाति लक्षण देशे रन्यतान बच्चे छेदात तुल्ययो यस्तत प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। ठीक रितिका जी आप 51 52 को चैंट करिए। स्थान्युपनिमन्त्रेण संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानम्। ठीक 49 and 50 के लिए मैं अगली मैडम को बुलाना चाहूंगा। 49 and 50 के लिए रितु टोडी और सौरभ सेठी तैयार रहेंगे। रितु टोडी मैम 49 and 50 नंबर का। तत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठात्रित्वं सर्व ज्ञातृत्व
त्वं च तद वैराग्यात् अपि दोष बीज छये कैवल्यम्। बहुत अच्छे 57-58 के लिए अग्रिम। सौरभ सेठी थे। हाँ सौरभ सेठी जी, सौरभ जी। यस सर। 57-58 चेंज करिए। यस सर। हांजी सर, कौन सा बोला आपने? 47 and 48। ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थ वत्व संयमादिन्द्रिय जया ततो मनोज वित्वं विकरण भाव प्रधान जयस्य। बहुत अच्छे सभी जायसवाल, और सलाका गर्ग जी तैयार रहेंगे उनके बाद। सभी जायसवाल जी आप 45 and 46 दोनों को बोलिए। जायसवाल जी। जी ततो अडिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त 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 धर्माना भिगादश्च रूप लावण्य बल वज्र सहन सहन नत्वानि काय संपत्। ठीक है। 38 and 39 के लिए सलाका गर्ग जी। 38 बंद कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयात् जलपंक कंट कादिश्व संगः उत्क्रांतिश्च। 41 and 42 के लिए अग्रिम शारदा सूर्यवंशी और शिवम चौरसिया तैयार रहेंगे। शारदा जी अभी आप 41 and 42 चयन करिए। श्रोता काशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम काया काशयोः संबंध संयमा संयमात लघुतूल समापत्ते समापत्तेश्च आकाश गमनम्। बहुत अच्छे 43 and 44 चौरसिया जी। जी सर। वहिर्कल्पिता वृत्तिम रहा विदेहा ततः प्रकाश वर्ण छया स्थूल स्वरूप सूक्ष्म सूक्ष्माना स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्यावार्थत्व संयमाद् भूतंजय। चरिष्या जी और अभ्यास की आवश्यकता है आपको। सुनिए वहिर कल्पिता वृत्तिर महा विदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमात् भूतजयः। जी सर। अभी 36 and 37 के लिए अग्रिम हमारे जो
सोनाली मिलिंद जी और श्रीनिवास पांडा जी तैयार रहेंगे। सोनाली मिलिंद जी आप 36 एंड 37 चेंज करिए। सोनाली जी सोनाली जी पांड्या जी आप चेंट करी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तथा प्रति तथा प्रति भस्मा वन स्वाद जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थान सिद्धयः। और अभ्यास की आवश्यकता है पांडा जी हैं। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। हाँ जी। और एक बार 36 एक वॉइस ना ब्रेक हो रही है पांडा जी आपकी। फिर अगले से और एक बार मैं बोलूं रिपीट करूं क्या? हाँ कर दो एक बार। ततः प्रतिभस श्रावण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। देखो ये प्रतिभ नहीं है, ये प्रातिभ है। प्रातिभ और ये श्रावण वेदना वेदना पूरा बोलिए। श्रावण वेदना फिर दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। अभी 34 और 36 5 के लिए 34 और 30। अच्छा श्रीनिवास पांडा जी चलो आपका हो गया। अभी नेक्स्ट वन तुषार बाला जी आप 34 एंड 32 एंड 35 चेंज करिए। तुषार बाला जी ज्यादातर लोगों की जो नेटवर्क इश्यू हो रहा है लगता है, सबकी आवाज ब्रेक होती हुई दिख रही है, सुनाई दे रही है, या तो मुझे लगता है शायद मेरे इधर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं तो ज्यादातर की आवाज ब्रेक। हाँ जी हेलो सर। मेरी चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के प्रतिभा सर्वम ठीक है। चलो सभी ने अच्छा से चेंट किया और अभी अग्रिम जो चैप्टर है फोर्थ जिसे कैवल्य पाद नाम से जाना जाता है इसके 4-5 सूत्रों को रिवाइज करते हैं। सर हाँ जी। हाँ मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था लैपटॉप पे तो अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया। अच्छा, तो बोलूं? हाँ सुना लीजिए आपने बोलना है ठीक है। अच्छा आप बोलिए इधर ये 53 एंड 54। जाति लक्षण देशैरण्यता रण्यता वच्छेदातु तुल्ययोस्ततः प्रतिपतिः तारकम्। हाँ बोलिए बोलिए। तारकम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। ठीक है
देखिए यहाँ पे ना ये तू तू जो है एक ही बार है, लेकिन यहाँ मिस टाइपिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है कि दो बार तू दिखाई दे रहा है। तो ये वच्छेदात और फिर तुल्य तुल्ययोस्ततः, ये नहीं है कि वच्छेदातु फिर तुल्ययोस्ततः, ऐसे नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी आप इसे सुनिए। अथ कैवल्यपादः, पहले नंबर का सूत्र, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। क्लियर है? नेक्स्ट वन सेकंड। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्। नेक्स्ट थर्ड वन, निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतिनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिक्वत, निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतिनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिक्वत्, निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतिनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिक्वत्। फोर्थ, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा, निर्माण चित्त अन्यस्मिता मात्रा, निर्माण चित्त अन्यस्मिता मात्रा। ठीक है। फिफ्थ, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम्, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषाम्, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषाम्, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तं एकं अनेकेषां। ठीक है, ये सूत्र क्लियर है आपको? जी सर, सर एक पूछना है मुझे। हाँ जी, और सर ये जो है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, ऐसे जो आपने बोला, तो ये याद करना कौन सा सही रहेगा, जो सूत्र में दिया है और जो आप चांट कर रहे हैं? देखो देखो, ज्यादातर जो मिला के जो दिया होता है ना, वो ज्यादा ठीक होता है, कुरेट पर। लेकिन यदि आपको तोड़ के बोलना आता है, तो आप तोड़ के बोलोगे तो वो याद रखने में और थोड़ा बोलने में इजी हो जाता है। अगर मिला के बोले तो हम ऐसे कैसे कैसे बोलेंगे, सुनो इसे। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मनेकेशाम, ऐसे बोलेंगे, चित्तमेक मनेकेशाम,
अब मैं तोड़ के बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं, चित्तम एकम अनेकेशाम, ठीक है। तो सर एग्जाम में तो ऐसे जो वर्ड्स पूछे जाते हैं तो चित्तम एकम अनेकेशाम ये भी याद होना चाहिए, तो फिर देखिए देखिए प्रोनाउंसिएशन। हाँ, आप जो है ना मिला के भी याद करिए और याद रखने के लिए बोलने के लिए तोड़ के भी बोलने की कोशिश करिए वर्ड्स को, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, अभी इन पांचों सूत्रों में किसी को कोई दिक्कत या समस्या लग रही हो कि ये वाला सूत्र दोबारा सुनना है तो आप बोलिए। सर ये जो है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला सर थर्ड नंबर का भी बता दीजिए। थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ वाला सुनिए। निर्माण, फिर बोलिए चित्त, फिर बोलिए अन्य, स्मिता, मात्रात, और मिला के बोलना है तो निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात, निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात, तोड़ के बोले निर्माण चित्त अन्य अन्य स्मिता मात्रा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आप थर्ड नंबर का सुनिए। निमित्तम निमित्तम अप्रयोजकम, यहाँ पे यदि निमित्तम बोलते हैं तो फिर आएगा ये अप्रयोजकम। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवता, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा ना, इससे मैं एक चीज देखनी है मुझे। सर आप इसके भावार्थ भी बताइए। भावार्थ इसका, हाँ जी भावार्थ पढ़ेंगे अभी ना, अभी हम चैंटिंग वाले पे चल रहे हैं। अभी पिछले वाला भी हमने चैंटिंग किया है और ये भी निमित्तम प्रयोजक। ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया क्लियर। अभी कोई और समस्या इनमें, किसी में बोलने में दिक्कत हो रही है इन पांचों सूत्रों में से किसी को? फिफ्थ एक बार गुरु जी को, वो कौन सा मतलब वाला? यहाँ पे फिफ्थ चित्त में कम अनेक, हाँ प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम, इसका जो म है ये वाला वो इधर ले लेंगे चित्तम, फिर ये जो है ना ए रह जाएगा तो ये हो जाएगा एक एकम, चित्तम एकम, फिर चित्तम एकम और इसका म का आ आएगा तो वो अनेकेशाम, चित्तम एकम अनेकेशाम, ठीक है, चित्तम एकम एकम अनेकेशाम जी। yes. साधुवाद। और कोई समस्या? सर नेक्स्ट स्लाइड कर, पिछली स्लाइड करूं? जी सर। सर जो दो दो लाइन वाले होते हैं ना श्लोक, उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है उच्चारण करने में। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड में, इसमें देखें, इसमें इसमें कौन सा वाला पूछना है आपको? सर 11 to 29 के बीच वाला। 11 to 29 के बीच ये जी, ये सारे पूछने? नो सर, सारे नहीं पूछने। सर इसमें 25 वाला जो है ना वही विप जी सर, ये प्रवृत्तिया लोकन्यासात
प्रवृत्या लोक कन्या सात सातम नहीं होएगा है जी प्रवृत्य लोक सात सात सॉरी यहाँ पे सात ना आके सात है प्रवृत्या लोकन्या सात ठीक है सूक्ष्म व्यवहित 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 सूक्ष्म व्यवहित विप्र कृष्ट ज्ञानम विप्र कृष्ट ज्ञानम विप्र कृष्ट ज्ञानम व्यवहित व्यवहित सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम ठीक है जी जी साधुवाद और सर वो 11 वाले स्लाइड निकालना जो इसके पहले 22 के पहले ये वाली ना सर्वार्थ इसमें हाँ जी गुरु जी इसमें सर ये है ना व्युत थान 9 श्लोक 9 अच्छा ये तो ये है ना व्युत्थान व्यु व्युत्थान 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 निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो यचित्त अन्वयो निरोध परिणामः गुरुजी मैं प्रोनंसिएशन करूं हाँ कर लो आप वयुत्थान निरोध संस्काराय योर विभव प्रादुभार्वो निरोक्षण चित्ता अवयो निरोध परिणाम ठीक है पर लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग अलग टाइप से एक तो ये वयुत्थान नहीं है व्यू व्यू बोलिए व्यू व्यू व्यूहु व्यू देखा है ना चक्र व्यूहु जी हाँ तो व्युत्थान हाँ तो व्युत्थान ये क्या होगा व्युत्थान व्युत्थान जी व्युत्थान व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर भावो निरोध क्षण चित्तान वयो निरोध परिणाम ठीक है सर एक बार 17 नंबर का 17 नंबर का सूत्र शब्द अर्थ शब्दार्थ मिला के बोलेंगे तो क्या कहेंगे शब्दार्थ शब्द अर्थ प्रत्यया नाम प्रत्यया नाम इतरेतराध्यासात इतरेतराध्यासात शंकरस संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्व भूतरुत ज्ञानम ठीक है ओके ठीक चलिए सभी को क्लियर है आज की जो भी चैंटिंग कराई गई और मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए सेल्फ प्रैक्टिस करिए सूत्र चैंटिंग में और याद करने में तो फिर आपको और सरल हो जाएगा और तभी याद भी हो पाएंगे ठीक है बने रहिए इसी कक्षा में घेरे निश्चयता के योग सत्र में कौशल सर के साथ धन्यवाद सभी का शुभ रात्रि आप स्वस्थ रहें मस्त रहें धन्यवाद सर थैंक यू धन्यवाद सर शुभ रात्रि